बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं लर्निंग प्रिंसिपल इन क्लिनिकल सेटिंग। अब इसमें सबसे पहले जो है ओपन कंडीशनिंग को यूज़ करेंगे फॉर बैड हैबिट। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कवर करना है क्या चीज़ जो है बैड हैबिट इन्फोर्स करी, रिमूव करेंगे, अवॉइड करेंगे, डिले करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आसिफ एक मेडिकल स्टूडेंट है, इनकी अब गंदी हैबिट ये बन गई है कि वो पढ़ते हुए जो है ब्रेक लेते थे वो लंबी से लंबी होती चली जाती हैं। उन्होंने फील किया ब्रेक में जब वो टीवी देखते थे, अब उनके टीवी देखने की आदत से उनको प्लेयर फील होता था, वो रिलैक्स फील करते थे, तो वो जो है देखे जाते थे उनको वक्त का पता नहीं चलता था और वो स्टडी इतनी नहीं कर पाते थे। अब इस वजह से क्या हुआ, उनका स्टडी का हर्ज होना शुरू हुआ और वो ज़्यादा ब्रेक्स लेने लग गया। अब इसको सोल्यूशन क्या होगा हमारा, कि हमने उनकी स्टडी हैबिट इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने रिजॉल्व कैसे करना है कि जब तक काम नहीं हो जाता तब तक हमने जो है टीवी रूम से बाहर रहना जाना ही नहीं है, या फिर 2 घंटे पढ़ना है, हाफ आवर का ब्रेक लेना है। इस तरह जो है वो अपनी इस आदत का सोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड करना है या नैरो करना है उन सारे क्यूज़ को जो बैड हैबिट करवा रहे हैं। अब इसमें एग्जांपल है, मिस्टर जावेद हैं, वो अपनी स्मोकिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं लेकिन उसको कम करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें भी की कि वो इस हैबिट को कम कर सकें। उन्होंने क्या किया, डेली रूटीन से अपनी एशटी रिमूव कर दी, मैचेस रिमूव कर दी, एक्स्ट्रा सिगरेट रिमूव कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने स्मोकर से मिलना जुलना छोड़ दिया। उसके बाद जो है उन्होंने खाना खाने के बाद वॉक करना स्टार्ट कर दी, और जब भी उन्हें जो है नर्वसनेस फील हुई, जब भी उन्हें सिगरेट की क्रेविंग हुई, उन्होंने अपने मुँह में च्युइंगम च्यू करना शुरू कर दी। लेकिन वो फिर भी जो है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। उसको सोल्यूशन कैसे, हम इसमें जो है ओपन कंडीशनिंग या लर्निंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। उसको सोल्यूशन क्या बताएंगे कि अपनी स्मोकिंग की हैबिट को फर्दर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने क्यूज हैं उसको नैरो कर देने। कैसे, उन्होंने सबसे पहले सब अपनी बिल्डिंग के अंदर करनी है, उन्होंने कभी भी बिल्डिंग के बाहर गाड़ी में ऑफिस में कहीं नहीं करनी। उसके बाद स्मोकिंग को लिमिट कर देना अपने घर में, घर के एक रूम में, एक रूम से एक चेयर पे, फिर घर में ऐसी जगह पे जो उनको वो कोना जिनको पसंद नहीं है वहाँ उनको मज़ा नहीं आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट जो है लिमिट हो जाएगी, इस तरह वो इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज़ करेंगे नेगेटिव प्रैक्टिस को ताकि एसोसिएट कर सकें बैड हैबिट को डिस्कम्फर्ट के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हसन जो है उनको फेशियल टिक होता है, ये तब अपीयर होता है जब वो नर्वस या टाइड होते हैं। अब टिक जो है उनकी राइट आई पे एक विंग की तरह लगता है, इस वजह से उन्हें सोशल इन्वेस्टमेंट होती है। सोल्यूशन क्या, नेगेटिव प्रैक्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इस रिस्पॉन्स को रिपीट करेंगे जब तक उनके लिए बोरिंग पेनफुल नहीं हो जाता या वो थक नहीं जाते हैं। अब इस वजह से क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज होगी हैबिट की, वो जो है इसको बार बार होने से रोकेंगे। हसन साहब ने शीशे के सामने खड़े हो जाना है, उसको टिक को तब तक रिपीट करें जबकि उनके मसल जो है थक नहीं जाते, अनकम्फर्टेबल नहीं आ जाते, उकता नहीं जाते हैं। रबर बैंड अपनी टीस पे पहनेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे ताकि अपनी स्किन पे जो हम मार सकें। अब इससे क्या होगा, माइल्ड पेन प्रोड्यूस होगा, उनको दर्द होगा, और ये इस तरह हम इसकी हैबिट को दोबारा होने से रोकेंगे। नेक्स्ट इज यूटिलाइज करेंगे फीडबैक को ताकि बैड हैबिट चेंज कर सकें। अब कोई भी बैड हैबिट जो होती है उसको जो है हम स्कोर करते हुए उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आपने कितनी स्मोकिंग एक दिन में करनी, सिगरेट ली है उसका नंबर लिख लिया, कितनी बार आपने आपकी अपने फेस पे टिक अपेयर की, कितनी बार नेल बाइटिंग वगैरह की है, इस सब को हम नंबरिंग करके जो है हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बैड हैबिट का स्कोर कितना है, हम कितने ज़्यादा बैड हैबिट जो हैं उसको अपने अंदर जो है घर कर चुके हैं, और स्कोर करके हम उसको जो है कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोशिश करते रहेंगे तो कामयाब भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ करने हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का क्लिनिकल सेटिंग। सबसे पहले हमने जो है वो ओपन कंडीशनिंग देख ली थी, उसकी क्लिनिकल यूजेस। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग के देख लेते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ फियर एंड एंजाइटी अबाउट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से बच्चा हो बड़ा हो, हर किसी को खौफ आता है, डॉक्टर्स को हॉस्पिटल को पसंद नहीं करते हैं, बच्चों को स्पेशली जो है हॉस्पिटल लेके जाएं रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं डॉक्टर देख के, डॉक्टर का वाइट कोट देख के, हॉस्पिटल की स्मेल से, एंटीसेप्टिक की स्मेल से जब इंजेक्शन लगाते हैं उनको बच्चे, तभी रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब उसका आसान सोल्यूशन क्या है कि हमने जो है जो हमारे पीर्स के डॉक्टर स्पेशली उन्होंने वाइट कोट नहीं पहनना। इससे क्या होगा, बच्चा वाइट कोट देख के रोने चीखने लग जाता है, उसको पता चल जाता है अब मुझे इंजेक्शन लगेगा, उसका वो जो स्टिमुलस है वो हमने रिमूव कर दिया है। इस तरह से हम उसका फेयर वो जो है फेयर कम कर सकते हैं अबाउट हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट। अब कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट के लिए हाईली अनप्लेजेंट होती है क्योंकि इसमें बार बार वीकली इंजेक्शन लगते हैं, उनकी डोजेज भी हाई होती हैं, वो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं जिसकी वजह से दूसरे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, नोजिया सिकनेस हो जाती है, खा नहीं सकते हैं। अब ऐसे पेशेंट्स को जो है उसमें जो है मोस्टली नोजिया वॉमिटिंग होती है, वो कुछ खा भी नहीं सकते हैं। अब हमारी रिसर्च साइंस ये कहती है कि
केमोथेरेपी के पेशेंट को अगर आप खाने से पहले कुछ चीज़ मीठा जो है वो खाने के लिए दे देते हैं तो इससे उनकी एंजाइटी वगैरह कम होती है और वो अच्छे से खा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फोबिया। अब फोबिया क्या होता है? इंटेंस इरिटेशनल फेयर होता है किसी भी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सिचुएशन का, जो हम जिसको फ्यूचर में अवॉइड करते हैं। अब इसको जो है हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ करते हुए, जो बेस करती क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल के ऊपर। इसमें सबसे पहले हमने पेशेंट को कहना है फुली रिलैक्स करें, रिलैक्सेशन टेक्निक उसको सिखाएंगे जिससे वो फुली रिलैक्स करेगा। उसके बाद जो है फिर हम पेशेंट को कहेंगे इमेजिन करें अपने दिमाग में उस चीज़ को जिसका आपको फोबिया, जैसे अगर आपको डॉग का फोबिया, आपने उसकी आउटलाइन बनाना शुरू करनी है। जब भी आपको एंजाइटी अटैक आएगा आपने अपनी छोटी उंगली खड़ी कर देनी है जो हमें सिग्नल करेगी आपको एंजाइटी का अटैक आ रहा है। अब पेशेंट ने जो है वो डॉग की आउटलाइन बनाना शुरू की लेकिन उसको एंजाइटी अटैक आया, उसने जो है अपनी लिटिल फिंगर जो है वो पॉइंट की, उससे हमें पता चल गया कि वो एंजाइटी में। अब जैसे उसने वो फिंगर पॉइंट किया हमने उसको रिलैक्स करवाना है।